दिल्ली रे बीजेपी रो डार्टी पॉलिटिक्स केंद्रीय संस्थार दुरुपयोग करी विरोधी को उपरे जुलम विवादियों मद दुर्नीति मामलें दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ करी सीबीआई हेडक्वार्टर्स रे राति बिताइबा परे आज तांको कोर्ट रे हाजर करा जिवो 30 कोटी टंकार मनी लॉन्ड्रिंग और प्रमाण नष्ट अभियोग रे सिसोदिया को गिरफ करी सीबीआई सेपटे बीजेपी रो हीन राजनीति को विरोध करी आज कला दिवस पाळुछि आम आदमी पार्टी सारा देश में दल पक्ष विरोध प्रदर्शन करा सहित दिल्ली बीजेपी मुख्यालय आगे विक्षोभ करिबा आप सीबीआई हेडक्वार्टर्स आगे शताधिक आप नेता एकाठी नाराबाजी करिछंती सीबीआई कार्यालय बाहर कड़ा पुलिस फोर्स मुतयन सिसोदिया गिरफ्तारी को नहीं बीजेपी उपर बर्षिंट दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को जनसमर्थन मिलुवा देखि बीजेपी ईर्षापरायण हो पड़ी दिल्लीर विकास मॉडल देखि बीजेपी सही पारुनी आप सरकार विवादीय अबकारी नीति 2021-22 को गत वर्ष जुलाई 31 रे रद्द करा नुआ नीति को रद्द करिबा पर गत 2020 नवंबर 17 पूर्व लागू होता पुराणा अबकारी नीति को कार्यकारी करने लगे दिल्ली सरकार निष्पत्ति नहीं सिसोदिया विरोध में सीबीआई तदंत लागि सुपारिश करते लेफ्टनेंट गवर्नर वीके सक्सेना सिसोदिया पूर्व केजरीवाल कैबिनेटर अन्य जन मंत्री को गिरफ्त कर मनी लॉन्ड्रिंग मामलें एवं भी ईडी हेफाजत रही केंद्रीय संस्थार दुरुपयोग करी विरोधी उपरे जुल्म विवादियों मद दुर्नीति मामलें दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्त करा जाइछे एवं सीबीआई हेडक्वार्टर्स राति बिताई सहित बीजेपी मुख्यालय आगरे आप विक्षोभ प्रदर्शन कर दल पक्षर विरोध प्रदर्शन करा जिवो सारा देश में सीबीआई हेडक्वार्टर्स आगरे शताधिक आप नेता एकाठी हुई नाराबाजी कर सीबीआई कार्यालय बाहर कड़ा पुलिस फोर्स मुतयन कर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार कार्रवाई हुई मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो चाहे झारखंड हो मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया वो या हमारे यहाँ अनिल देशमुख हो या मैं खुद हूँ नवाब मलिक हो क्या कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और हाथ बैठे हैं क्या अधिक आलोचना करिबा आम सहित दिल्ली रिपोर्टर लिपिका महांत जोड़ी होती लिपिका आज कला दिवस पालुची आम आदमी पार्टी एवं गोटेपटे आज सिसोदिया को कोर्टे हाजिर कर राति बिताई से हेडक्वार्टर्स कौन आप देखुं ये जो वर्तमान समय स्थित को आप विभिन्न स्थान विक्षोभ प्रदर्शन कर निश्चित भाव देखु आज आप पक्षर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करें आह्वान आम आदमी पार्टी पक्षर जो राजधानी दिल्ली रे बीजेपी रो जो मुख्य कार्यालय रही से अपरा मध्यान 12 समय समय धार्य होतेबड़कूठे आज प्रदर्शन करने गोटे प्रकार आह्वान करतमान स्थित को जदि नजर ने तेज आप देखिपे बर्तमान जो भाई भाव बीजेपी मुख्य कार्यालय सामने भारी मात्रा रे पुलिस मुतयन होती गत काली राति ही जदि कह जितेबाला मनीष सिसोदिया को गिरफ्त करते ही दिल्ली पुलिस पूरा संपूर्ण भाव जदि कह तन्न तन्न करके जांच करूँ कि भाव जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रही कि भाव एकाठी न हे और विरोध प्रदर्शन न करें से नहीं पक्षर प्रयास करा तथापि जो भाई भाव आम आदमी पार्टी गोटे प्रकार दाबी करा कि भारतीय जनता पार्टी गोटे प्रकार चाल जिते बड़ कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो भाई भाव वर्तमान पॉपुलैरिटी बढ़ी चली भंग करने 2024 निर्वाचन को आखिरे रखी एभली एक चाल भारतीय जनता पार्टी पक्षर करा जाउची बोली आम आदमी पार्टी पक्षर दाबी करा जाउची एवं अन्य पक्ष जदि कहिबा आज दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वर्तमान मेडिकल टेस्ट चली मेडिकल टीम जो थी से वर्तमान सीबीआई ऑफिस पहुंची सारी भितर जांच चली जांच चलने पर
कोर्ट रे पेश करा जिबा परे तांकु केते दिनिया रिमांड पई पुलिस पक्षरु दाबी करा जाउची एवं जे भली भाबे अरेस्ट हेबा परे अरेस्ट हेबा पूर्वरु ही मनीष सिसोदिया जेतबेले गतकाले सीबीआई ऑफिस को जाउदिले ता पूर्वरु ही गोटे प्रकार से आशंका करिथिले एवं से कहिथिले कि जे हुए तो मु तांको मांग को जेतबेले से आशीर्वाद लेथिले सेतबेलको विजयलक्ष्मी से कहिथिले हुए तो मु 7-8 मास पर्यंत जेल जाई पारे एवं अन्य जो भली भाबे से समस्त कहा को भी दुखी न हबा पई कहिथिले प्राउड फील हबा पई गर्व करिया पई कहिथिले कारण से निर्दोष एवं निर्दोष से जदि तांको जेल जिबा को पडुचे से सेति पई खुशी खुशी रे जिबे किंतु कहा को मन दुख न करबा पई कहिजंती एहा गोटे प्रकार बीजेपी रो डर जहा को कि अरविंद केजरीवाल को डरी कि एभली भारतीय जनता पार्टी पक्षरु करा जाइछि एवं अन्य जदि कहिबा अरविंद केजरीवाल का ट्वीट जदि देखिबे ताहा मध्य से कहउचंदी जे भली भाबे कि मनीष सिसोदिया संपूर्ण भाबे निर्दोष अछंदी दिल्लीवासी देखुचंदी दिल्लीवासी यार जवाब देबे कारण जे भली भाबे दिल्लीवासी निश्चय भाबे यार जवाब देबे आपण देखि पारथिबे मो पछबटे जे भली भाबे दिल्ली पुलिस जे भाबे मुतयन होउचंदी एवं धीरे धीरे जदि कहिबा अठारे जो आप रो कर्मकर्ता मनने मध्य धीरे धीरे देखिया को मिलचंदी तांको अटकिया पई चेष्टा करा जाउची गोटे प्रकार किबळी भाबे से माने अठारे विरोध प्रदर्शन न करि पारिबे से नै समस्त प्रकार प्रयास करा जाउची दिल्ली पुलिस पक्षरु एवं जदि कहिबा आज दिल्ली समग्र दिल्ली रे स्थाने स्थाने चेकिंग पॉइंट बने जाइची एवं किभळी भाबे लोक माने एकाठी न हेबे से नै गोटे प्रकार प्रयास करा जाउची एवं अन्य पक्षरे जदि देखिबा मनीष सिसोदिया को कोर्ट रे मध्य आज पेश करा जिवो सेठारे तांको केते दिनिया रिमांड मिलिवो से ने दाबी करा जिवो एवं अन्य पक्ष रे जदि मनीष सिसोदिया को हाजर करा जिवो एवं ता पूर्व आपण माने देखि परचंते जे दिल्ली रे किबोली बाबरे सुरक्षा व्यवस्था को कडाकडी करा जाइछ एवं सब स्थान रे चेकिंग को मध्य कडाकडी करा जाइछ किंतु बीजेपी रो जो जुल्म वर्तमान समय रे सामना को आसुची काईना केन्द्रीय संस्था को जेभली भाव में व्यवहार करा जाउछि एवं आम आदमी पार्टी को जनसमर्थन मिलुथिबा देखि कोटनाकोटी बीजेपी ईर्षान्वित होउछि आकु नेकि मध्य बर्षिछन्ति दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत बहुत धन्यवाद लिपिका महंत आम सहित जोड़ी होइथिले दिल्ली रिपोर्टर अधिक आलोचना करुथिले। बड़े लंबे अरसे से सीबीआई सिसोदिया साहब के पीछे पड़ी है और सिर्फ सिसोदिया नहीं पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ पड़ी है। हमारा प्लीनरी सेशन है रायपुर के अंदर, वहां छापे डाले जा रहे हैं, ईडी एक्टिव हो गई है। देश के अंदर लोकतंत्र नाम की अब कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। लोगों को ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, यहाँ आना चाहिए। और सिसोदिया जी को अगर शाम तक गिरफ्तार किया गया तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा।